नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और आज संविधान दिवस है और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ संविधान में रहने वाले नागरिक यहां मौजूद है जिनकी राज्य में एक ही मांग है। ये सभी जैप के अभ्यर्थी है और इनकी मांग है कि दूसरी जो लिस्ट है वो जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। इसके लिए ये तमाम जितने भी संवैधानिक लोग हैं या अगर राजनीति की भी बात करें, नेता, मंत्री, विधायक सबके पास गए हैं, सबसे अपनी मांगों को रख रहे हैं और अभी तक इनकी मांग नहीं हो रही है। ऐसे में ये आए हैं आज कांग्रेस भवन में, आप देख सकते हैं यहाँ के अध्यक्ष से बात करने आए हैं और भी मंत्रियों से बात की, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। आज आप कांग्रेस ऑफिस आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं? आज संविधान दिवस है तो हम लोग आए थे कांग्रेस बादल पत्रलेख जी से मिलने के लिए, क्योंकि ये जितने भी अभी पद यात्रा इन लोग का चल रहा है उसमें इनसे लड़का लोग मिला था तो वो बोले थे बहुत जल्द बात करके किया जाएगा। तो आज भी हम लोग मिलने आए थे तो आज भी ये लोग सब अपने क्षेत्र में हैं। इसमें तो ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जो बेरोजगार है वो तो रोड में ही भटक रहा है। और हेमंत भैया भी जो हैं कि अभी कुछ उस सस्पेंस में पड़ गए हैं कि करें तो करें, क्या नहीं करें, मैंने वो लगा लिए। लेकिन हेमंत भैया से मैं बोलना चाहता हूं कि भैया आप ये ईडी का जो लफड़ा अभी चल रहा है तो उसमें आप टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग जैप के जितने अभ्यर्थी हैं आपके साथ खड़े हैं और जो जो बहाली भी क्लियर है आपके नज़र में उसको क्लियर कर दे। किसी का दबाव में जो बहाली क्लियर है उसको रोकिए मत। इससे क्या होगा कि आपका तनाव जो है वो कम होगा। मैं एक पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, तो उसमें मैं फादर मुझको सिखाया था कि यदि एक झूठ बोलने से 100 आदमी का जान बचता है तो वो झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि एक झूठ बोलने से 100 आदमी का जान बच रहा है। तो भैया जब हम लोग सातवां पास बहाली जैप का जो आपके कार्यकाल में किया गया बहाली, उसको जब आप जान रहे हैं कि क्लियर है, आप हर जगह बोल रहे हैं कि आपका काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन जब आपको लग रहा है कि ये क्लियर है तो इसको क्लियर कर देने में आपके भलाई है, क्योंकि माथा का थोड़ा सा तो आपका बोझ हल्का होगा और जो 400 लड़का को आप रोजगार दीजिएगा तो वो तो आपका नाम लेंगे। जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है कि ये क्लियर है उसको क्लियर करते जाइए। और ईडी का जो बात रहा तो बीजेपी जो विपक्ष पार्टी रहता है तो वो आप नेता हैं तो आपके ऊपर थोड़ा सा मानसिक तनाव देंगे ही देंगे, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा राजनीति करने में। तो ये हाल हो रहा है बीजेपी ईडी फीडी का जो लफड़ा लगा रहा है, भैया आप लोग टेंशन मत लीजिए, युवा आपके साथ खड़े हैं और बीजेपी कुछ नहीं कर सकती आपका। ये मैं जैप के सफल अभ्यर्थी आपको एकदम भरोसा के साथ बोलना चाहता हूं कि बीजेपी आपको कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए, आज जो विशेष कार्यक्रम था तो आज तो जितने भी मंत्री हैं सभी से हम लोग आवास में गए उनसे मुलाकात करने के लिए, और ख़ासकर बादल पत्रलेख जी के आवास गए तो उनसे ही मुलाकात नहीं हो पाई। और उनके आवास जाने के बाद हम लोग मालूम चला कि वो क्षेत्र निकले हुए हैं। फिर हम लोग रामेश्वर राम जी के भी आवास गए और उनसे ही मुलाकात नहीं हुआ। फिर हम लोग कुछ प्रतिनिधि हैं तो प्रवक्ता लोग बोले कि नहीं, आप माननीय मंत्री लोग जो भी हैं वो आने वाले हैं, तो इसीलिए कार्यक्रम को लेकर हम कांग्रेस यहाँ पे आए हुए हैं कि कार्यक्रम में अगर कोई मंत्री से जो वादा किए थे, राजेश ठाकुर जी आने का भी सूचना था पर वो अभी नहीं आ पाए, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था हम लोग को रांची में ही कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके आपकी द्वित मेगा सूची निकाली जाएगी। और सुबोधकांत साहे जी भी, वो भी आश्वासन दिए थे। और जहाँ देखा जाए जो अभी जो झारखंड राज्य में जो परेशानी चल रही है ईडी को लेकर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी घबरा रहे हैं उसको घबराने की जरूरत नहीं है। बस उनका एक जो मुद्दा है युवा के जो रोजगार बेरोजगार है लड़के, उनको आप रोजगार दीजिए। देख सकते हैं ये जैप के अभ्यर्थी थे और ये आज आए थे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए मंत्री विधायकों से, और आगे भी मुलाकात करेंगे क्योंकि लगातार जब भी कैबिनेट की बैठक होती है या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने का मौका मिलता है, हर जगह ये जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इन्हें क्या कष्ट है, कौन सी सूची जारी करनी चाहिए, कब से इन्होंने परीक्षा दिया उसके बाद सफल हुए, लेकिन अभी तक इनकी मांग कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं पेपर्स अटक जा रहे हैं। तो इसे लेकर के ये लगातार सभी लोगों से, जितने भी लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं, तमाम मंत्री विधायकों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इनका संघर्ष कब तक जारी रहता है और कब तक इनकी मांग पूरी होती है। तब तक के लिए बने रहे हैशटैग भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।